नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका DRR बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आज अपन चर्चा करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बॉटनी का थर्ड पेपर है। हो सकता है अदर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये कोई और फर्स्ट या सेकेंड बॉटनी से संबंधित पेपर हो, तो वो बच्चे अपने हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन जो MGSU यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है उनके लिए बोटनी का थर्ड पेपर है। तो अपन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करेंगे। यहाँ इस सेशन का मूलतः उद्देश्य क्या है कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत करवाना। कपिल सरना ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन एक है आपका, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको बतानी है। आणविक जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए, सीधी सिंपल सी कहानी है कि कोशिका के अंदर तथा कोशिकाओं का आपस में आणविक स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है, अर्थात DNA, RNA, प्रोटीन, इन सभी के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम आणविक जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप दिमाग के अंदर रखना। अगला अपना क्वेश्चन है, निप पर नोड जीन क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान काम में लिए जाने वाले जीन निप और नोड जीन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ निप जीन से तात्पर्य नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये जीन सबसे पहले क्या करते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नोड जीन नोडुलिन प्रोटीन का स्रावण करने में सहायक होते हैं। दोनों ही जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण जीन होते हैं। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, क्लोनिंग व जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा बतानी है। तो किसी भी कोशिका, उत्तक, अंग या जीव के द्वारा हूबहू उसके समान नई संरचना तैयार करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? जीनों की संरचना में जीनी स्तर पर जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण के द्वारा नए जैव उत्पाद या नए जैव ऑर्गन का निर्माण, फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। सीधी सिंपल सी कहानी है, जीन स्तर पर या आनुवांशिक स्तर पर कोशिकाओं में किया जाने वाला परिवर्तन या हेर फेर क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। फिर आपका कॉस्मिड किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो कॉस्मिड की परिभाषा क्या हो जाएगी? लेमडा कोस प्लाज्मिड से निर्मित, अर्थात यह क्या है? एक प्रकार का प्लाज्मिड है। गोलाकार DNA क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है, जो कि लेमडा कोष से निर्मित है, अर्थात बड़े DNA अणुओं का क्लोन तैयार करने के लिए कोस्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, HC79, PLFR5 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, PLFR5। ठीक है, वेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी जीन या फिर DNA के स्थानांतरण के लिए जो घटक काम में लिए जाते हैं उन घटकों को अपने वेक्टर के नाम से जानते हैं, दिमाग में रखना। ठीक है, वाहक के नाम से जानते हैं। तो ये कॉस्मिड, फेजमिड, प्लाज्मिड, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? आपके वेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्मिड विशेष प्रकार के वेक्टर होते हैं जो कि लेमडा कोष के द्वारा निर्मित होते हैं। लेमडा कोष के द्वारा निर्मित प्लाज्मिड ही कोस्मिड कहलाता है, और यह बड़े DNA अणुओं के क्लोन तैयार करने में सहायक होता है। ठीक है, फिर चिन्ह जीन और सूचक जीन। तो चिन्ह जीन, मार्कर जीन और इंडिकेटर जीन, ये जीन इस प्रकार के होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान किसी कोशिका की विशेष निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो मार्कर जीन क्या हो जाएंगे? रूपांतरित कोशिका की सरलता से पहचान करने के लिए काम में लिए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं? मार्कर जीन कहलाते हैं। ठीक है, चिन्ह जीन कहलाते हैं। इंडिकेटर इनकी पहचान से संबंधित शब्द है। तो इसमें इन दोनों जीनों में आपको अंतर देखना है। लिपोसोम क्या है? देखिए, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी जो छोटी छोटी कणिकाएं होती है उन्हें हम लिपोसोम के नाम से जानते हैं। मार्कर जीन पुनः आ गया एक बार के लिए आपका। मार्कर जीन ऐसे जीन जो कोशिकाओं के निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करने के लिए काम में लिए जाते हैं, मार्कर जीन कहलाते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है,
बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों का उपयोग अगर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में किया जाए तो विज्ञान की इस शाखा को जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लास्ट संवर्धन किसे कहते हैं? किसी भी उत्तक का प्रयोगशाला में पोषक माध्यम पर रखते हुए संवर्धन करवाना प्रोटोप्लास्ट संवर्धन कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, प्रतिजैविक की परिभाषा आपको बतानी है। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? तो देखिए, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसे उत्पाद जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दें, क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसे उत्पाद जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं, एंटीबॉडीज कहलाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम प्रतिजैविक कौन सा होता है? आपने पढ़ा होगा कि प्रथम प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के रूप में की थी, ठीक है, कवक के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, तो द्वितीयक उपापचय जो होते हैं वो जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान प्राप्त उत्पाद होते हैं। अगला नौवां क्वेश्चन है, फ्यूजोजन या फ्यूजोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन में कर्तोतक व कैलस में डिफरेंस बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या कहें, क्या कहेंगे अपन? कैलस के नाम से जानते हैं। जबकि उत्तक संवर्धन टेक्निक में भाग लेने वाले जो छोटे टुकड़े होते हैं प्लांट के, उन्हें हम कर्तोतक के नाम से, एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, बायोरिएक्टर क्या है? तो देखिए, जैव उत्पाद तैयार करने के लिए काम में लिए जाने वाले बड़े बड़े संयंत्र क्या कहलाते हैं? बायो रिएक्टर कहलाते हैं। जैव रसायन उत्पाद में एलिसिट्रो का कोई एक उपयोग बताना है। तो ये थे आपके पार्ट ए के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला अपना पार्ट बी है, सेक्शन बी के अंतर्गत अपन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सिद्धांत क्या है, इसको आपको समझाना है। लेग हिमोग्लोबिन की संरचना आपको पता है कि जड़ों के अंदर विशेष प्रकार का एक वर्णक बनता है लाल रंग का, जिसे हम लेग हिमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और यह लेग हिमोग्लोबिन जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान बनने वाला घटक होता है, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने में, ऑक्सीजन को अवशोषित करने में लैग हीमोग्लोबिन सहायक होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नोड्यूल निर्माण किस प्रकार से होता है? तो देखिए, इस प्रकार की जो जड़ों के अंदर इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये संरचना किस प्रकार से बनती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जड़ें लैक्टिन का स्रवण करती है, और इस लैक्टिन प्रोटीन के कारण राइजोबियम इसके आसपास जमा हो जाते हैं, और फिर तंतुओं की सहायता से इस जड़ के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। और फिर निफ जीन क्या करेगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। इसके पश्चात नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन का अवशोषण लैग हीमोग्लोबिन कर लेता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करना शुरू कर देता है, और नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये नोड्यूल किस प्रकार से बनता है, जड़ों के अंदर गांठें किस प्रकार से बनती है, इसका आपको वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? तो देखिए, मनुष्य के गुणसूत्रों पर, संपूर्ण गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों की संरचना और कार्यों का अध्ययन करने के लिए जो सूचनाएं एक स्थान पर एकत्रित रहती है, उसे हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग बताइए। तो प्लाज्मिड क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के दौरान डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए जो घटक काम में ली जाती है, उसे हमें क्या कहेंगे? वाहक के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला गोलाकार या वर्तुल डीएनए ही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, तो ये भी प्लाज्मिड क्या हो जाएगा? एक वाहक हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला इस प्रकार का गोलाकार डीएनए, जीवाणुओं में पाया जाने वाला गोलाकार डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। तो ये आपको परिभाषा बतानी है, इसके उपयोग क्या रहते हैं ये आपको बताना है। अथवा में इसके क्वेश्चन है, अथवा में पूछा गया, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक क्या है? प्रोकैरियोट्स में इसके योगदान बताने हैं, उपयोग बताने हैं। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? डीएनए में परिवर्तन के पश्चात रूपांतरित जो डीएनए प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आरडीएनए के नाम से, रिकॉम्बिनेट डीएनए के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के डीएनए प्राप्त करने की घटना को क्या कहेंगे?
पुनर्योगों जो डीएनए टेक्निक के नाम से जानते हैं। देखिए, एक डीएनए हमने क्या लिया है, प्लाज्मिड लिया है, दूसरा डीएनए हमने किसी भी जीव का डीएनए लिया है, दोनों के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से खंडों को हमने काटा है और इससे द्विजातीय डीएनए के खंड को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और फिर इसे किस में भेज दिया, ई कोलाई में भेज दिया। अब ई कोलाई में यह क्या करेगा, गुणन करेगा और बहुत सारी अपनी प्रतियां तैयार कर लेगा। इस प्रकार की घटना को पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लाइगेज एंजाइम जोड़ने के काम आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ने के काम आता है। तो ये सारे के सारे आपको विस्तृत रूप से समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका बी पार्ट का, जीन स्थानांतरण में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की भूमिका। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस टीआई प्लाज्मिड की भूमिका यहाँ पे पूछी है। तो क्या योगदान रहता है, किस प्रकार से ये जीन स्थानांतरण में सहायता करता है। कणिका बंदूक विधि क्या होती है, जीनों के स्थानांतरण के लिए कुछ विधियां काम में ली जाती है। जैसे लिपोसोम क्या है, जीन स्थानांतरण के लिए काम में ली जाने वाली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी इकाई होती है। कणिक बंदूक विधि के दौरान टंगस्टन के कणों के साथ सोने की कर्णिका के साथ जीनों को जोड़कर और उच्च वेग के द्वारा प्रविष्ट करवाया जाता। तो ये विधि क्या है, ये आपको समझाना है। बेसिलस थुरिंजियसिस विष पर टिप्पणी लिखनी है कि किस प्रकार से ये बिट्टी जीन जो होते हैं क्राई प्रोटीन पैदा करते हैं और अपनी क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पुंजननीय अगुणित व पादप प्रजनन के उपयोग आपको बतानी है। तो देखिए, गेमेट के द्वारा प्राप्त पादपों को अगुणित प्लांट के, एप्लॉयड प्लांट के नाम से जानते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन के उपयोग बताने हैं आपको, गेमेटोक्लोनल विविधताएं बतानी है और कृत्रिम बीज के निर्माण की टिप्पणी देनी है। तो भ्रूणोद्भव जो होता है, इस भ्रूणोद्भव के चारों तरफ सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट का आवरण बनाकर जो बीज तैयार किए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम बीज के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका अंतिम क्वेश्चन बी पार्ट का, उत्तक संवर्धन विधि की ट्रोफोफेट पोष अवस्था क्या है व आइडियोफिल अवस्था क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ तो इसके अथवा में है लेमिनर वायु प्रवाह का उत्तक संवर्धन में योगदान बताना है, लेमिनर एयर फ्लोर का टिश्यू कल्चर में आपको योगदान बताना है। ये था पार्ट आपका बी। सेक्शन सी की बात करें, इकोलाई तथा लेक ओपेरोन की विस्तृत विवेचना करनी है। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीनों का एक समूह है जो कि प्रोटीन संश्लेषण या अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है, इनका निश्चित अनुक्रम क्या कहलाता है, लेक ओपेरोन कहलाता है। तो ये लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर कार्य करता है और लैक्टोज की एब्सेंस के अंदर ये तंत्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार के रिप्रेसिव प्रोटीन बन जाती है जो कि अनुलेखन की क्रिया को रोक देती है। तो किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है वो आपको बनाना है। पीसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका वर्णन करना है किस प्रकार से पीसीआर टेक्निक के द्वारा कम समय में अत्यधिक डीएनए की फोटोकॉपी या फोटो प्रतियां तैयार की जाती है और कहां पर इसका यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक पादप क्या है। ठीक है, तो इनको हम जीएमओ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ऐसे पादप जिनमें जीन स्थानांतरण के द्वारा जिन्हें उपयोगी बनाया जाता है उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जीनी संरचना में परिवर्तन के द्वारा तैयार किए गए प्लांट क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएंगे। जैसे आपका बिट्टी कॉटन हो गया, बिट्टी बैंगन हो गया, फ्लेवर सावर हो गया, या फिर आपका जंतुओं में बात करें तो रोजी गाय हो गया, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ट्रांसजेनिक जीवों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बिट्टी कॉटन, बिट्टी बैंगन, फ्लेवर सावर, गोल्डन राइस, ये सारे के सारे प्लांट किस में आते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो जीन में परिवर्तन के द्वारा प्राप्त किए गए प्लांट को क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाते हैं। परिभाषा क्या देंगे, जीनों में परिवर्तन के द्वारा या फिर जीन स्थानांतरण के द्वारा प्राप्त प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट के नाम से जानते हैं। ट्रांस जीनों की अंतर्क्रियाओं व अभिव्यक्ति पर निबंध देना है, किस प्रकार से ये ट्रांसजेनिक पादपों के अंदर जीन परिवर्तन किया जाता है, ये परिवर्तित जीन किस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। चौथा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी
कोशिका का सूक्ष्म अंश, कोशिका का उत्तक अंग, या फिर कोई कोशिका का छोटा समूह है जिसके द्वारा एक विस्तृत प्लांट का निर्माण किया जाता है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी कोशिका या किसी भी पादप के छोटे से भाग का प्रयोगशाला के अंदर पोषक माध्यम में संवर्धन करवाना, उसका विकसित रूप तैयार करना क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। यहाँ हम कोशिका के द्वारा उत्कों का निर्माण कर सकते हैं, उत्कों के द्वारा अंगों का निर्माण कर सकते हैं, अंगों के द्वारा किसी प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपको विस्तृत इस पर जानकारी देनी है। अंतिम क्वेश्चन जो आपका है सेक्शन सी का, एल्केलोइड के शरीर क्रिया विज्ञानी प्रभाव पर निबंध लिखना है। एल्केलोइड जो होते हैं ये बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल रिएक्शन जो शरीर के अंदर होती है, उपापचयी जो क्रियाएं होती है जिन्हें मेटाबॉलिज्म और जिन्हें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये जो उपापचयी क्रियाएं होती है इन उपापचयी क्रियाओं पर एल्केलोइड किस प्रकार से प्रभाव दिखाते हैं, ये आपको अंतिम क्वेश्चन के अंतर्गत करना है। तो ये थी अपने मोलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो कि बोटनी की अपनी ब्रांच है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपनी सीरीज। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और एक बेहतरीन स्कोर आप खड़ा कर पाओगे अपनी तैयारी के द्वारा। आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को अपने आगामी एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल मनोयोग के साथ तैयारी करते हुए आप बेहतरीन स्कोर, अच्छे परसेंटेज प्राप्त कीजिएगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। तो यहाँ बोटनी की जो इस सेशन का अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होती है, नैया अगर किसी की डूबने वाली है तो उस नैया को पार लगाने का अपना एक टारगेट था, उद्देश्य था। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं इस वर्ष के एग्जाम के लिए, स्पेशली 3 यूनिट ढंग से प्रॉपर वे में तैयार करके जाओगे तो उनका बेड़ा बेड़ा पार ही नहीं होगा, अच्छे परसेंटेज भी उनके बन जाएंगे। और जो रेड डाटा बुक के अंदर है या फिर जो रेड जोन के अंदर स्टूडेंट्स है, वो केवल अगर इस प्रश्न पत्र पर डिपेंड रहते हुए संपूर्ण क्वेश्चन यहाँ के तैयार कर लेंगे तो भी उनका बेड़ा पार हो जाएगा। आप बेहतरीन तैयारी करोगे इसी आशा के साथ। आज के लिए इतना ही, तमाम बच्चों का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ लगातार स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।